एमएस एक्सेस के अंदर में हम आपके साथ बात कर रहे हैं क्यूरी के बारे में। गुहेर जी, मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास डेटा है ना, इस डेटा में से कुछ रिपोर्ट्स को हम अलग करना, कुछ डेटा अलग करना चाहते हैं। जैसे कि आपके सामने भी मैं टेबल दिख रहा हूँ, इसमें डेट, नेम, सिटी, एरिया वगैरह है ना। अब इसमें कि मुझे पूरे के पूरे डेटा नहीं चाहिए, कुछ सिलेक्टेड कॉलम चाहिए और हम कुछ कॉलम अपने तरफ से भी ऐड करना चाहते हैं, लेकिन ये एडिशन जो है हम एक डेटा के टेबल में नहीं करना चाहते, क्योंकि टेबल हमारा किसी लिंक है किसी और डेटा से। तो इसके लिए हम क्यूरी यूज करेंगे। तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ डिजाइन क्यूरी आपको दिखेगा, क्यूरी डिजाइन। इस क्यूरी डिजाइन को हम लेते हैं, ठीक है। अभी आए तो हमने क्यूरी डिजाइन को लिया, राइट। अब जब क्यूरी डिजाइन हम लेके आते हैं तो क्या होता है, मुझे टेबल देना पड़ेगा। हेलो, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। हमें टेबल लेना, तो यहां से हमने टेबल को उठाया और यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो टेबल आ गया। अब इसमें जो स्टार है, इसके बारे में बताया मैंने आपको, स्टार का मतलब क्या है, दिख रहा है स्टार? स्टार का मतलब सिलेक्टेड, सारा का सारा चाहिए। हाँ, सारा सारा चाहिए, बट मैं सारा का सारा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ सिलेक्टेड, जैसे कि मैंने, और उसके ऑर्डर मेरे हिसाब से हो। तो मैं नेम पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक भी कर सकते हो, उठा के यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो, समझे। तो हमने हमने नेम दे दिया, सिटी दे दिया, हमने यहाँ पे एरिया दे दिया, क्वांटिटी दिया और एमआरपी दिया, राइट। अब मुझे इसमें जो अमाउंट है वो अमाउंट में खुद कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे, कॉलम देंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम दे देंगे क्यू टी वाई क्वांटिटी क्लोज, और फिर मल्टीप्लाई का सैम्बल देंगे और स्टार में क्यू टी वाई, यहाँ एम आर पी है ना हमारा, हाँ एम आर पी, और इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट में। इसको बड़ा अगर देखना है तो राइट क्लिक करके जूम कर देता हूँ मैं, तो जूम में आपको ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है। एंड ओके किया एंड यहाँ पे हमने क्यूरी वन है, जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए। क्यूरी वन पे जब क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया सर, और जैसा ऑर्डर हमने डाला तो उसी ऑर्डर में अमाउंट आ गया। हाँ, अमाउंट आ गया सर, और जिस ऑर्डर में हमने डाला तो उसी ऑर्डर पे है। हाँ सर, यही ऑर्डर पे। उसके बाद इसमें डिजाइन क्यों, मान लीजिए मुझे इसमें हमें इसमें टैक्स भी निकालना है, तो यहाँ पे हम करते हैं जीएसटी। जीएसटी हेडिंग पहले देना है, देन आपको देना है सेमी कॉलन, उसके बाद फील्ड के नेम। तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिया कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18%, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिंपल बात है कि एक्सेस में परसेंट का सैम्बल नहीं होता, तो आप क्या करेंगे 0.18, समझे। हाँ समझे, आपने बताया कि 0.01 लगती है। हाँ, इसके बाद हमने सेव किया और यहाँ पे देखिए जीएसटी भी आ गया। वापस मुझे इसमें टोटल चाहिए, हमने टोटल लिखा और यहाँ पे हमने सेमी कॉलम दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने बड़ी ब्रैकेट में लिखा अमाउंट प्लस जीएसटी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से उसको कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा क्वांटिटी और एमआरपी 9 दिखे। अब होता है क्या है, कभी हमें इसमें से नहीं देखना है तो अब यहाँ से डिलीट कर सकते हो ना, बट क्या है कि मुझे डिलीट नहीं करना है क्योंकि अभी नहीं देखना है, लेकिन हो सकता है कि मुझे कुछ दिन बाद जरूरत पड़े। मैं कभी जरूरत पड़ती है, कभी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये शो वाला दिखा ना आपको, शो, हाँ, शो वाला दिखिए और इस शो वाले पे अनचेक कर दीजिए तो आपका डेटा में यहाँ पे सेव कीजिए, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखा सर, नहीं दिखा। और मैं चाहता हूँ कि नेम के अकॉर्डिंग मेरा शॉर्ट हो, जिस फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके शॉर्ट वाले में जाइए और यहाँ पे असेंडिंग शॉर्ट करना है या डिसेंडिंग शॉर्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके
एंड सेव। अब इस पर क्लिक कीजिए, आपको देखिए नेम बाइज आपका शॉर्ट है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर क्लियर क्लियर। तो आप इस क्यूरी में सीखे ये चीज सीखे कि किस तरीके से हम क्यूरी में अपने हिसाब से फील्ड को चूज करेंगे, किस तरीके से हम फील्ड टू फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि फील्ड टू फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड लेके आएंगे, किसी फील्ड को शो करवाना है, किसी फील्ड को शो नहीं करवाना है, हाउ कैन डिसाइड। ओके समझ गए, ठीक है ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं। तो इसी पे आप प्रैक्टिस कीजिए कि आज